वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग टेक अर्निंग सपोर्ट, जहां आपको मिलती है न्यू अर्निंग की सभी जानकारी और उनसे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेव ब्राउजर के बारे में कि उससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं हर महीने और किस तरीके से अर्निंग की जा सकती है। ये वीडियो जो है वो फ्रेंड्स के कहने पर बनाई गई है क्योंकि उन्हें जानना था पूरा कंप्लीट इन्फो अबाउट ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर पिछले 2 साल से वर्क कर रहा है एंड 2 साल से जो लोग इनको यूज कर रहे हैं उन्होंने अच्छी खासी अर्निंग भी की है। बट 2018 से 2020 तक के बीच में हो जाती हैं बहुत सारी अपडेट्स, फीचर चेंज, तो अर्निंग पर भी इनका पड़ता है इफेक्ट। तो किस तरीके से अब इसके अर्निंग में हुए हैं चेंजेस और कौन कौन से न्यू अर्निंग के फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, वो सारी जानकारी आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, जिससे ब्रेव ब्राउजर के बारे में उनकी अर्निंग, उसका विड्रॉल, उसका वर्क और किस तरीके से ज़्यादा अर्निंग की जा सकती है वो सभी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। ये है वेब ब्राउजर की वेबसाइट जहां आपको इसकी सभी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठेगा कि आखिर हम ब्रेव ब्राउजर को यूज क्यों करें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी और भी अच्छे अच्छे ब्राउजर्स यूज कर रहे हैं। तो उसके आंसर हैं ये, इसकी कुछ क्वालिटीज, इसके कुछ बेनिफिट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जब भी आप कोई और ब्राउजर यूज करते हैं तो उसकी सर्फिंग में होता है बहुत सारा टाइम वेस्ट। क्यों? क्योंकि कुछ आ जाते हैं ऐड, कभी आ जाते हैं पॉपअप और कभी आ जाते हैं नोटिफिकेशन। तो ये वो ब्राउजर है जो कि आने वाले उन एड्स को करता है ब्लॉक। जो भी पॉपअप होते हैं उन सबको जो ट्रैक करके ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपकी स्पीड पर उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और आप बिना डिस्टर्बेंस अपने काम को कर सकते हैं। सेकंड, इसकी स्पीड भी काफी फास्ट हो जाती है क्योंकि जो ट्रैकर्स होते हैं वो पॉप पब्स को एंड एड्स को वहीं पे रोक देते हैं। तीसरी चीज, इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और लेटेस्ट वर्जन के हैं। एंड सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि आप कोई भी ब्राउजर यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करने के साथ साथ अर्निंग आपकी नहीं होती, पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं, इसके बेनिफिट भी ले सकते हैं और साथ में फ्री भी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि आखिर इससे अर्निंग किस तरह की जा सकती है। ये है इससे अर्निंग से जुड़ी अपडेट्स। इससे आप अर्न कर सकते हैं सर्फिंग करके, आप टिप टोकन्स भी मिलेंगे आपको, जिससे आप दूसरे क्रिएटर्स को जो है तो अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट करके भी उनको टिप देकर भी आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। इसको यूज करके सबसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और एक न्यू फीचर अब इसमें ऐड हो गया है, ऐड के थ्रू भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, तो वो अब मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। पहले इसको यूज करने के लिए आप अगर मोबाइल में यूज करना चाहते हैं या फिर लैपटॉप या पीसी में करना चाहते हैं यूज, तो आपको इसे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। जब आप उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वेब ब्राउजर दिखेगा। जब भी आपको यूज करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यूज कर सकते हैं सेम एज अदर ब्राउजर। जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करके आप इसको यूज करेंगे तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप इस ट्रायंगल के ऑप्शन पे करना है आपको क्लिक, जहां आपको मिलेगा ज्वाइन रिवॉर्ड का ऑप्शन। ज्वाइन रिवॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, जिससे कि आपको फ्री बैक टोकन मिलेंगी। बैक टोकन्स क्या है, बैक टोकन्स को ग्रैब करके अर्निंग किस तरह की जा सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल ये काम पहला है कि पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे, जहां आपको रैंडमली 20 टोकन्स तक मिल सकते हैं बैक टोकन्स के। जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन रिवॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करें और आपको टोकन्स मिले ही मिले। ये डेली क्लेम का ऑप्शन है, डेली आपका यही काम होगा कि 24 घंटे में आके जब भी आप इस ट्रायंगल के ऑप्शन पे इस ब्रेव ब्राउजर को ओपन करके इस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास में क्लेम करने का ऑप्शन आएगा, जहां रैंडमली आपको मिलेगा। क्योंकि इसका जो फंक्शन ये होता है कि डेली 1000 लोगों को जिसे सिलेक्ट करना होता है, जिनको रैंडमली टोकन्स देने होते हैं, तो हो सकता है किसी दिन आपका लक नहीं हो उस दिन और आपको वो टोकन्स नहीं मिले। बट ये नहीं है कि एक दिन नहीं मिला तो इट्स मीन नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन आप डेली क्लेम करते रहिए, टोकन्स आपको जरूर मिलेंगे। अब इनका क्या यूज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी, फिलहाल हम बात कर लेते हैं बैक टोकन से अर्निंग क्या होती है।
ये है पैट टोकन, बेसिक अटेंशन टोकन, जिसकी वर्थ वैल्यू जो है अभी डॉलर्स में 0.2 है। अभी आपको ये थोड़ी भरी हुई दिख रही होगी, बट प्राइस जिन लोगों ने इसको स्टार्टिंग से शुरू किया है तब इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी थी। मतलब जो मैंने आपको क्लेम रिवॉर्ड का ऑप्शन दिखाया जहाँ 20 टोकन्स मिलते थे सबको, उसकी वर्थ वैल्यू होती थी 7 to 8 डॉलर तक। तो फिलहाल तो इसकी प्राइस एक तरीके से भरी हुई है, पर 0.2 है, पर पहले 0.4 थी। बट हम आप बात करेंगे 2020 की, तो इसकी एक की प्राइस है अभी 0.2, और आपको अगर 20 टोकन्स मिलते हैं तो इट्स मीन कि 4 डॉलर तक के टोकन्स आपको डेली क्लेम करने पर मिल सकते हैं। बट जरूरी नहीं है डेली मिले, 4 दिन 5 दिन के बीच में या 10 दिन के बीच में आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये पीपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ओके गाइज, इसका यूज आगे बताऊंगी, अभी बता देती हूँ ये बैट टोकन लिस्टेड कहाँ कहाँ है। ये टोकन लिस्टेड है बाइनेंस पे, कॉइनबेस प्रो पे, बिटहम पे एंड अपबिट पे। तो बाइनेंस पे आप इसको डायरेक्ट सेल करके जो पेटीएम है या बैंक है उसमें विड्रॉल ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इससे और किस किस तरीके से अर्निंग की जा सकती है, और अर्निंग करने से पहले हमें क्या क्या प्रोसेस सेट करने होते हैं। फर्स्ट इंस्टॉल का काम हो गया, सेकेंड जो क्लेम करना था आपको रिवॉर्ड ट्रायंगल पे क्लिक करके वो आपने कर लिया। अब थर्ड काम आप करेंगे इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, जीमेल के थ्रू या किसी के भी थ्रू लॉगिन कर सकते हैं आप। फर्स्ट एंड फॉर साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, आई एग्री पर क्लिक कीजिए और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। इसके थ्रू आपके मेल पर एक कोड जाएगा वेरिफिकेशन, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। जब आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर लेंगे तो किस इस तरीके से आपके पास में आएगा एक और लिंक आएगा, जिसके थ्रू आपको वेरीफाई करके ही लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करके आएंगे तब आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड होगा। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बैलेंस अभी 0 है, बिकॉज रिसेंटली मैंने भी इसको ज्वाइन करना शुरू किया है कुछ क्वेरीज के लिए भी। और मिनिमम पे आउट जो है 5 बैट है। जैसे ही आपके पास 5 बैट हो जाएगी आप इसका विड्रॉल ले सकते हैं। बट यहाँ पे बैलेंस आपको कम मिलेगा, ये बैलेंस जो होता है वो फिक्स डेट पे रिसीव्ड होता है। जैसे मैंने आज से अगर इसको शुरू किया है तो जितना मैं इस ब्राउजर को यूज करूंगी, जितना इसमें सर्फिंग करूंगी, जिस पे इस पर वर्क करूंगी, उतने ही मुझे टोकन्स यहाँ रिसीव्ड होंगे। रैंडमली हो सकते हैं 20 से लेकर 100 के बीच में, और इस तरीके से मुझे टोकन्स मिलेंगे, और जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है, एक बैट की वैल्यू है 0.2 डॉलर, और 5 बैट होते ही आप यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट तरीका किस तरीके से आप ब्राउजर को जितना ज्यादा यूज करेंगे उतने ज्यादा आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको रैंडमली 100 टोकन तक मिल सकते हैं। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी। इसके लिए आप इसी ट्रायंगल पे दोबारा से जब क्लिक करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जहां आपको रैंडमली 20 बैट मिल सकते हैं, मुझे नहीं मिले बिकॉज 2 दिन से ही मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड मुझे अभी नहीं मिले हैं बैट। रैंडमली मिलते हैं 100 में से 10% लोगों को मिल जाते हैं, बट हो सकता है 3-4 दिन के बाद आपको भी मिल जाए। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी। और एक बात भी ध्यान रख लीजिएगा, ये वाले बैट टोकन और ये वाले बैट बैलेंस दोनों का यूज अलग अलग तरीके से होता है। इसकी अर्निंग आपको जब होती है, जितना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको हर महीने आपको इसमें कर दिए जाएंगे क्रेडिट आपके बैलेंस। इस बैलेंस को अलग है, ये बैलेंस अलग है। अब इस बैलेंस के लिए आपको रिवॉर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। रिवॉर्ड सेटिंग पे क्लिक करके ऑटो कॉन्ट्रीब्यूट जो है ऑप्शन होगा आपके पास इसका, इस पर आप जब सेट इस पे क्लिक करेंगे तब आपके पास में ये ऑप्शन आएगा अप टू 100। तो आपको यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है 100 तक, कि आप 100 तक टोकन्स यहाँ पे जो है अर्न कर सकते हैं। मतलब अभी इनकी वैल्यू बनेगी 23 डॉलर के आसपास, ठीक है। तो ये जो रैंडमली आपको मिल सकते हैं, इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म को अर्न कीजिए, वर्क कीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा टोकन्स को अर्न कर सकें और उनका विड्रॉल ले पाए। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। फर्स्ट ये वाले 20 टोकन्स जितना वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वाला बैलेंस जो मैंने आपको दिखाया। अब थर्ड अर्निंग का तरीका है इसका एड्स के थ्रू। ये अभी रिसेंटली एक्टिव हुआ है,
जो कि कंट्रीब्यूटर के ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है एड्स का। ये जस्ट मई में ही स्टार्ट हुआ था, जहां यहां पे आप अर्निंग कर सकते हैं बैट टोकन केवल एड्स देखकर। इसके लिए आपको एक सेटिंग करनी होगी, इस एड्स वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा, मैंने कर रखा है। और नीचे जो ऑप्शन दे रखा है आपको कॉन्ट्रीब्यूट का, इसको आपको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद में इस डिटेल्स पर आपको इसको एड सेटिंग पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है कि आप कितने एड्स देखना चाहते हैं पर आर। एक एड पर आर देखना चाहते हैं, दो एड पर आर देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सेटिंग कर दीजिएगा 5 एड्स पर आर, मतलब 1 घंटे में आपके पास 5 एड्स आएगी और उनके थ्रू आप अर्निंग करेंगे। अब मैं बता दे रही हूँ हर एड का आपको कितने मिलता है और किस तरीके से एड को देखना है। मान लीजिए मैं ब्रेव ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करती हूँ, तो जो मैंने सेटिंग कर ली है ऐड की, बस इतना ही आपको करना है। उसके करने के बाद में जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद में, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ सर्च करना शुरू करें या कुछ भी सर्फिंग करना शुरू करेंगे, वैसे ही 5 सेकंड के अंदर आपके पास आपकी मोबाइल की विंडो पे ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा कि आपको एक ऐड रिसीव हुआ है, आप इसको देख लीजिए। तो उस ऐड को ओपन करना है, ओपन करके आपको एटलीस्ट 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक उस ऐड को देखिए, और दोबारा से उसको हटा के आप दोबारा से इसी विंडो पे आके रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो हर एक ऐड का मुझे जहां तक मिला है, मुझे मिला है 0.01 USDT, मतलब 0.01 USD मिला है। एंड अभी मैंने, मेरे पास में टोटल एड्स जो रिसीव हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एड नोटिफिकेशन जो है वो 18 आए थे, बट मैंने पूरे रिसीव नहीं किए, पूरे सी नहीं किए हैं। जितने मैंने सी किए मेरे को उतनों का, पूरे का तो अभी बैलेंस नहीं मिला, बट 0.01 USD मिलेगा आपको एक ऐड देखने का। अगर आप 1 घंटे में 5 ऐड देखते हैं तो इस हिसाब से 0.05 हो गया। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने ऐड आप पर डे देख सकते हैं और कितनी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप $30 से $40 एटलीस्ट बाय ऐड देखकर यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसको यूज करेंगे, उसके एक्स्ट्रा आपको पर मंथ मिलेंगे। हर जैसे ऐड देखने के जो भी होगा, मेरे को 6 जून को मिल जाएगा यहाँ पे, जब से आप इसको यूज करना करेंगे उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। एड कंट्रीब्यूटर का मेरा डेट अलग होगा, एंड हाँ 29 जून को मिलेगा जो वो वाला है, और ये 6 जून को इसका मुझे रिसीव्ड हो जाएगा। तो पर ऐड का आपको मिल रहा है 0.01 USD। और एक और बात कि यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ये आ रही है, जब मैं सपोर्ट के पास गई देखने, तो ये हो रहा है कि हम लोग ऐड तो देख रहे हैं पर ऐड देखने के तुरंत बाद आपको आपका बैलेंस शो नहीं होगा यहाँ पे। आपको एटलीस्ट वेट करना होगा 3 से 4 दिन के अंदर ये रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक जो बैलेंस है वो आपके पास आ जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है ब्रेव ब्राउजर में, ये सारे कन्फ्यूजन्स जो हैं मैंने पढ़े, जो मुझे भी आए, क्योंकि मैंने एटलीस्ट यहाँ पे 7 से 8 ऐड देखे होंगे पर मुझे सबका पेमेंट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने सपोर्ट से बात करी तो सपोर्ट ने कहा कि डोंट वरी, आपका रिफ्रेश 3 से 4 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा, और जितने ऐड आपने देखे होंगे पर वेरीफाई ऐड होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐड कुछ इस तरीके से लिखेंगे। जब आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो उसका इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको यहाँ पे टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करना है टिप वाले ऑप्शन के लिए कि आपको टिप चाहिए, तो ये टिप आपको रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कर लेना है और आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ब्राउजिंग स्टार्ट कर देनी है। इस तरीके से ऐड की सेटिंग को कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया। इस तरीके से कुछ काम करना शुरू कीजिए वेब ब्राउजर पे, जैसे सामने आपके पास में पॉपअप आ जाएगा आपके मोबाइल पे, और जैसे ही आप विंडो को नीचे करेंगे तो उसमें लिखा होगा आपका फर्स्ट ऐड आ चुका है। आप उस फर्स्ट ऐड पर क्लिक करेंगे। देखिए मेरे पास मेरे ब्रेव ब्राउजर का फर्स्ट ऐड आया था, तो कुछ इस तरीके से जैसे ही मैंने क्लिक किया था वो स्टार्ट हो गया था। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको उस पर रहना है, उस पर वक्त थोड़ा सा देखिए, उसको ऊपर नीचे करिए, किसी भी बटन को क्लिक करिए, उसके फीचर चेक करिए, जिससे आपका 1 मिनट कम्प्लीट हो जाए और आपको आपका बैलेंस ऐड हो जाए 0.01 USD। ये था अर्निंग का तरीका। अब फोर्थ तरीका है इस पे अर्निंग करने का रेफरल के थ्रू, जिसमें काफी चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि आपको रेफरल किस तरीके से करना है। आपका रेफरल लिंक आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। रेफरल लिंक के लिए आपको जस्ट नीचे आना होगा। नीचे आके आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपना YouTube,
अपना ट्विटर या फेसबुक को लिंक करना है आपको। तीनों में से किसी को भी आप जब लिंक कर देंगे तभी आपके पास रेफरल लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका रेफरल लिंक आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेकंड थिंग, जरूरी नहीं है कि आपके यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो होना चाहिए या कोई सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। जो भी है आपका नॉर्मली यूट्यूब है तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी आईडी से बना के, ओके, जिससे कि आपको आपका रेफरल लिंक मिल सके। अब आपका रेफरल लिंक आपको मिल चुका है, अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं तो आपको मिलेगा आपके फ्रेंड्स का कुछ इस तरीके से। तीन तरीके से टास्क होते हैं ये, कंफर्म्ड, इंस्टॉल्ड एंड डाउनलोड। आपका फ्रेंड का आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आपके लिंक के थ्रू अगर आपके फ्रेंड ने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल भी करना चाहिए, इंस्टॉल करने के बाद में वो कंफर्म्ड भी होना चाहिए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रेफरल लिंक के थ्रू प्ले स्टोर तक जाएंगे पर डाउनलोड के ऑप्शन तक पहुंचेंगे बट वो लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे ऐप को, तो वो डाउनलोड काउंट में आएगा, ठीक है, लेकिन आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंस्टॉल्ड वो होते हैं जिन्होंने डाउनलोड तक गए भी, इंस्टॉल भी कर लिया ऐप को, लेकिन एक महीने तक उन्होंने यूज नहीं किया, तो वो केवल इंस्टॉल्ड में आएगा, उनके मोबाइल में एक तरीके से पड़ा रहा वो, लेकिन फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट जब मिलेगा जब वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा और एक महीने तक उसको यूज करेगा, तभी आपको वो कन्फर्म्ड होगा और एक महीने बाद आपको उसका बेनिफिट $1 मिलेगा। जब ये 2019 तक भी था तब इसका जो था एक कंफर्म रेफरल में आपको $5 के टोकन मिलते थे, लेकिन अभी 2020 में इन्होंने रेफरल प्रोग्राम में चेंजेस कर दिए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इनके न्यू रेफरल लिंक के कुछ ग्रुप्स जहाँ पे ये रेफरल लिंक जो हैं, रेफरल लिंक्स का जो रिवॉर्ड है वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, हमारा जो भी कंट्री है, तो हमको जो है $7 मिलता पर रेफरल का, और अगर हम सेकंड ग्रुप में आएंगे तो $6.5। तो अपन तो इंडिया से हैं तो इंडिया आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपका रेफरल। और अगर मैं हमारे ग्रुप की बात करूँ इंडिया की, तो हमारा जो ग्रुप है वो 5 है, जहाँ आपको $1 तक के बैट टोकन्स मिलेंगे अगर आप इंडिया में आते हैं तो। इंडिया की कंट्री जो है वो यहाँ पर है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी आप लोग अपनी कंट्री देखना कि आपकी कंट्री कौन सी है और रेफरल किसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ये अभी जस्ट रिसेंट अपडेट हुआ है, उससे पहले $5 हर पर रेफरल मिलता था जो लोगों ने अच्छी खासी अर्निंग करी है। तो ये सारे तरीके थे आपके साथ जो मैंने शेयर किए कि यहाँ पर आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आप ट्रेंडल के थ्रू 24 घंटे में क्लेम करेंगे, जो आपको 20 टोकन्स मिलेंगे, उसका क्या यूज है। जब आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आएगा, अगर आपको यहाँ पे 20 टोकन्स मिल भी जाते हैं तो वो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। आप केवल किसी को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी के भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे मेरा जो चैनल का नेम है वो सर्च करके मुझे यहाँ पे एज अ टिप 10, 11, 12 टोकन्स कितनी भी टिप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आप कहेंगे इससे आपको क्या बेनिफिट है, बट अब ये समझ की बात है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप जिसको भी टिप कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड को टिप करो या किसी चैनल को टिप करो, है ना, तो उससे ये होगा कि आप अपने फ्रेंड से पहले से बात कर लीजिए कि मैं इतने टोकन्स अगर आपको टिप करूं तो आप मुझे उन्हें जो है कन्वर्ट करके एज अ USD में या फिर INR में आप मुझे दे देना। तो इससे आपको भी बेनिफिट हो जाएगा इन टोकन्स का और टिप का टिप हो जाएगा, इन टोकन्स का यूज हो जाएगा, बिकॉज ये टोकन विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, केवल आप टिप के थ्रू ही अर्निंग कर पाएंगे। तो ये एक तरीका मैंने आपको समझा दिया, इससे विड्रॉ नहीं कर सकते। आप विड्रॉ कर सकते हैं ऐड की अर्निंग के थ्रू, रेफरल की अर्निंग के थ्रू, और आप इसके पे जो वर्क करेंगे, जो पर मंथ आपको रिसीव्ड होगा, वो जो बैलेंस होगा यहाँ पर शो होगा। सो इसका विड्रॉ आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसका विड्रॉ के लिए आपको अपहोल्ड वॉलेट जो है उसको कनेक्ट करना जरूरी होता है। उसका कनेक्ट किस तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर KYC किस तरीके से की जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट मंथ इसका विड्रॉ लूंगी, पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो मैंने एज अ थोड़ी सी अपडेट्स आपको देने के लिए बताई थी कि एड्स की अर्निंग शुरू हो चुकी है, रेफरल का जो अर्निंग थी वो थोड़ी घट चुकी है, एंड
थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे अर्निंग को ऐड होने में, तो आप लोग घबराइएगा मत, विथ इन 1 और 2 डेज आपकी ऐड हो ही जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप जाके इनके सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे आकर भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ से अर्निंग जरूर कीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगा, मेरा रिव्यू इसके ऊपर ये रहेगा कि ज़्यादा अर्निंग तो नहीं, एटलीस्ट 1000 रुपये तक की अर्निंग हम पर मंथ यहाँ से कर सकते हैं गाइज। तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, यूज़ करना शुरू कीजिए। बाकी जितना मैं इस महीने कमाऊँगी, नेक्स्ट विड्रॉ अपडेट जो आपको दूंगी, फिर मैं देखती हूँ एटलीस्ट हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। बट नो डाउट दिस इज बेटर देन अदर ब्राउजर्स, एंड स्पीड वगैरह को देखते हुए और फर्स्ट ऐसा ब्राउजर है जिसको यूज करके हम अर्निंग भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ न्यू प्लेटफॉर्म के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पर वीडियो चाहते हैं वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।